देखें, प्राइस तो वो वैल्यू है जिस पर प्रोडक्ट सेल की जाती है और परचेज की जाती है, यानी प्राइस तो वो वैल्यू है जिस पर सेलर बेचने के लिए तैयार होता है और बायर खरीदने के लिए तैयार होता है, यानी द एक्सचेंज वैल्यू ऑफ अ प्रोडक्ट इज नोन एज इट्स प्राइस। और हर चीज की आपको याद रखना है कि एक्सचेंज वैल्यू होती है। अब ये प्राइसिंग क्या चीज है, जिसको थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करेंगे। देखें, प्राइसिंग इज बेसिकली द प्रोसेस थ्रू विच और बाय विच प्राइस फॉर अ प्रोडक्ट इज डिटरमिंड और सेट। किसी प्रोडक्ट का जो प्राइस सेट करने का अमल है किसी प्रोडक्ट के लिए, उसको प्राइसिंग कहा जाता है। तो प्राइसिंग प्रोसेस है, प्राइसिंग एक्टिविटी है, और प्राइस वो वैल्यू है जो कि हम डिटरमिन या सेट कर देते हैं प्रोडक्ट के लिए। देखिए, आप एज अ मार्केटिंग ग्रेजुएट, एज अ मार्केटिंग स्टूडेंट या एज अ मार्केटिंग पर्सन, जब आप मार्केटिंग का रोल अज्यूम करेंगे अपनी लाइफ में, वो किसी भी, आप एज एन एंटरप्रेन्योर करें, आप एज अ एम्प्लॉय करें, या किसी भी, या एज अ पब्लिक सर्वेंट करें, किसी भी कैपेसिटी में करें, तो आप प्राइस सेट करने के अमल का हिस्सा बनते हैं। तो जो वो जो अमल जिससे आप प्राइस सेट करते हैं, उसको प्राइसिंग कहा जाता है। देखिए, प्राइसिंग यानी प्राइस सेट करने का या प्राइस डिटरमिन करने का जो अमल है एक प्रोडक्ट का, वो मुश्किल अमल होता है, और इसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनका आपको ख्याल रखना होता है। सबसे पहले जिन दो चीजों का आपको इल्म होना चाहिए प्राइसिंग से मुतालिक, वो हैं प्राइस सीलिंग एंड प्राइस फ्लोर। ये प्राइस सीलिंग और प्राइस फ्लोर से क्या मुराद है? सीलिंग का तो आपको मतलब है, मालूम है, सीलिंग का मतलब छत होता है और फ्लोर का मतलब वो फर्श होता है। अच्छा, अगर आप गौर करें तो जब हम किसी कमरे में हों तो कमरा हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। तो आप देखिए कि प्रैक्टिकली ना हम फ्लोर से नीचे जा सकते हैं, ना हम सीलिंग से ऊपर जा सकते हैं। यानी मैं कहना है चाहता हूं कि नॉर्मल लिविंग के लिए आप फ्लोर के ऊपर रहते हैं और सीलिंग से नीचे रहते हैं। ये एक समझने की मिसाल है। अच्छा, ये प्राइस सीलिंग और प्राइस फ्लोर क्या होते हैं और हमें क्या बताते हैं? देखिए, प्राइस सीलिंग वो अपर लिमिट है, यानी जिसके बाद कोई कस्टमर प्रोडक्ट को अफोर्ड नहीं कर सकेगा। तो प्राइस सीलिंग इज द हाईएस्ट और मैक्सिमम प्राइस लिमिट बियॉन्ड विच अ प्रोडक्ट डज नॉट रिमेन अफोर्डेबल फॉर द मार्केट। यानी आप सीलिंग वो लेवल है जिससे ऊपर अगर आपने प्राइस रखे तो कस्टमर वो प्राइस अफोर्ड नहीं कर सकेगा और आपकी प्रोडक्ट सेल नहीं होगी। ये प्राइस फ्लोर क्या चीज है जनाब? तो जनाब, प्राइस फ्लोर बुनियादी तौर पे वो लोअर लिमिट है जिससे नीचे अगर प्राइस चार्ज किया जाए तो कंपनी को प्रॉफिट नहीं होगा। तो फ्लोर हमें बताता है कि व्हाट मिनिमम प्राइस फॉर अ प्रोडक्ट कैन बी चार्ज टू रिमेन प्रॉफिटेबल, और सीलिंग हमें ये गाइड करती है कि व्हाट मैक्सिमम प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट कैन बी चार्ज टू रिमेन एक्सेप्टेबल फॉर द मार्केट। एक बात याद रखिएगा कि इन प्रैक्टिस, इन रियलिटी, कंपनीज ना फ्लोर पे ऑपरेट कर रही होती हैं ना सीलिंग पे, लेकिन वो इनके दरमियान ऑपरेट कर रही होती हैं। वो कौन से फैक्टर्स हैं जो उनको इनके दरमियान डायनामिक रखते हैं या मूव करवाते हैं, वो हम एज वी मूव फॉरवर्ड हम उसके बारे में बात करेंगे। एक डायग्राम के जरिए से भी हम सीलिंग और फ्लोर को समझने की कोशिश करते हैं। तो आप देख रहे हैं, आपके सामने स्क्रीन पे एक डायग्राम है, और इस डायग्राम में आपको नजर आ रहा है कि लेफ्ट साइड पे सीलिंग है और राइट साइड पे फ्लोर है। तो सीलिंग रिप्रेजेंट कर रहा है कस्टमर परसेप्शंस ऑफ वैल्यू, यानी एक कस्टमर किसी प्रोडक्ट के बारे में मैक्सिमम क्या उसको वैल्यू देता है जिसके बाद उसको वो डिमांड नहीं करेगा। और सीलिंग जो फ्लोर है वो रिप्रेजेंट कर रहा है प्रोडक्ट कॉस्ट को, यानी ये वो लेवल है जिससे नीचे, जिस पे पहुंच के आप टेक्निकली अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है उनकी कॉस्ट को पूरा कर रहे होते हैं। और अगर आप इससे नीचे सेल करते हैं तो फिर आप लॉस पे सेल करेंगे और वो आप ज्यादा देर उस पे सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। दरमियान का जो बॉक्स है इस डायग्राम का, वो आपको गाइड करता है उन फैक्टर्स, इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स के बारे में, जिनके बारे में हम तफसीलन पढ़ेंगे, जो कि प्राइसिंग के अंदर हम कंसिडर करते हैं, जैसे कि मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, ऑब्जेक्टिव्स हैं, मिक्स है,
नेचर ऑफ द मार्केट एंड डिमांड है, कंपेटिटर स्ट्रेटजीज एंड प्राइसेस हैं, इन सारी बातों को हम तफसील से बाद में स्टडी करेंगे। जो बात मैं चाहता हूं कि आप लोग कंसिडर करते रहें वो ये है कि जो सीलिंग और फ्लोर है, जो फ्लोर और सीलिंग आपकी है, उसका आपने ख्याल रखना है जब आपने एक्चुअली अपने प्राइसेस को डिटरमिन करना है। अच्छा, अब हमारे पास कुछ और फैक्टर्स भी हैं जिनके बारे में जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, वो फैक्टर्स जो कि अफेक्ट करते हैं प्राइसिंग को, लेकिन हम इनको इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में तफसील के साथ डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।